نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ اور 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سب سے بڑا حادثہ پیش آیا تھا. مورخین کی بہت بڑی تعداد جو خیر القرون سے لے کر آج کے دور تک اس بات کی قائل ہے اور تحقیق کے ساتھ یہ بات بہت سے مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری 12 ربیع الاول میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جس تاریخ میں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن مدینہ منورہ میں کیا صورتحال تھی. صحابہ اکرام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا اور بہت ہی عجیب و غریب صورتحال تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا صدمہ اور ایسا رنج اور غم نہیں دیکھا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تاریخ وفات ہی پر ہم جشن ولادت کے جلوس کا انعقاد اور مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اور نادان لوگوں نے 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار دے دیا ہے. بھلا سوچئے کہ وہ امت جس کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہو وہ اسی تاریخ کو عید کا دن قرار دے اور اس پر خوشیاں منائے، اظہار مسرت کرے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کرے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے
और बहुत ही तकलीफ़ दे सूरत हाल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा 63 साल की हुई। 63 साल की हयात में 23 साल ज़िंदगी नबूवत की ज़िंदगी है। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया और 63 में वफात हुई। तो रिसालत और नबूवत का जो दौर गुज़रा है, इस्लाम की दावत और तालीम का जो दौर गुज़रा है, वो 23 साल का मुख्तसर तरीन दौर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौर में कभी अपना जश्न वलादत नहीं मनाया, कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं मिलता। हद तो यह है कि किसी ने इस ताल्लुक़ से हदीसें भी नहीं घड़ी, झूठी रिवायात भी मौजूद नहीं है, जैसा कि बहुत से मामलात में झूठी रिवायात मिल जाती। सहाबे कराम का दौर तकरीबन 1 सदी का है। 1 सदी तक सहाबे कराम की जमात मौजूद रही। खुलफाए राशिदीन का दौर रहा। किसी ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत नहीं मनाया। आज लोग कुरान मजीद से इस्तदलाल करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बहुत सी जगहों पर किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कहकर किया है कि मोमिनीन पर हमने एहसान किया है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा है। इस आयत से भी लोग इस्तदलाल कर रहे हैं। सूरह यूनुस की फल यफ़रहू वाली आयत से भी लोग इस्तदलाल कर रहे हैं। एक बहुत मोटा सा सवाल पैदा होता है कि कुरान करीम की इन आयात को सहाबा ने नहीं पढ़ा था, खुलफाए राशिदीन ने नहीं पढ़ा था, ताबईन और उनके शागिर्दों ने इसको नहीं पढ़ा था, इन आयात को चारों इमामों ने नहीं पढ़ा था। आज के दौर में लोगों ने इन आयात से मसला समझा है, इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि कुरान और हदीस को फहमे सलफ की रोशनी में समझना चाहिए। फहमे सलफ से मुराद है सहाबा और ताबईन का दीनी फहम। कुरान और हदीस से उन्होंने क्या नताइज अखज किए हैं उसको हमें अखज करना चाहिए, उसी के मुताबिक हमें माना और मफहूम को इख्तियार करना चाहिए। तो सहाबा और ताबईन का फहम और उनकी समझ और उनका दीन इन तमाम चीज़ों से खाली। हदीस की कोई किताब आप उठा लीजिए, किसी भी किताब में आपको ईद मीलादुन नबी का कोई बाब नहीं मिलेगा। कोई किताब उठा ली, फ़िक़ही मसाइल पर चारों अइम्मा की मोटी मोटी किताबें हैं। फ़िक़ही मसालिक और फ़िक़ही मसाइल पर बहुत ज़ख़ीम ज़ख़ीम किताबें हैं। बाज़ किताबें 10-10 20-20 जिल्दों में हैं। बाज़ शुरुहात 40-50 और 60 जिल्दों में हैं। हदीस की एक किताब की शरह एक आलिम लिखता है और 50-60 जिल्दें तैयार करता है मोटी मोटी। इतनी मेहनत होती है और इतना काम लोगों ने किया। अल्लाह ताला उन सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। लेकिन किसी ने भी अपनी किसी किताब में ईद मीलाद का बाब मुनक़िद नहीं किया है। इस्तंजे का बाब मौजूद है, बैतुल खला के आदाब मौजूद हैं। किताबो तहारत पढ़ लीजिए आप, तो आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी मामूली मामूली चीज़ें मिल जाएंगी। इतना बड़ा मसला और ईद, उसका जिक्र ना होना, ये इस बात की दलील है कि ये इस्लाम में है ही नहीं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और अच्छी समझ दे कि वो दीन को सही मफहूम के साथ समझें और इन खुराफात और बिदआत से तौबा करें। तो ये तो बहुत बाद में लोगों ने इसको ईजाद किया।
आप अपने मुल्क में देख लें कि पुराने ज़माने में अब से 10, 20, 15 साल पहले आम तौर पर घर की औरतें पूछती थी, 12 वफात का महीना कब आएगा। इसे 12 वफात कहा जाता था, लोगों ने बदल कर उसको ईद मिलादुन्नबी कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वलादत 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई। मुहक्किकीन मौर्रखीन का जो इस सिलसिले में फैसला है वो 9 रबीउल अव्वल के बारे में है। 9 रबीउल अव्वल बरोज पीर आपकी पैदाइश हुई और 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर आपकी वफात हुई। दिन यकसा है, पीर का दिन था। तो वलादत 9 को हुई और वफात 12 को हुई। तो मेरे भाइयों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत की पैरवी करें। और सुन्नत और सीरत की पैरवी का माना यह है कि उसमें न जश्न वलादत है न यौम वफात है, दोनों चीज़ों का जिक्र नहीं है। इसलिए दोनों का ताल्लुक न इस्लाम से है, न दीन से है, न सीरत से है और ना ही फिकही मसाइल से है। इसी के साथ मेरे भाइयों, हम मुसलमान जिस दौर में हैं और जिन हालात से गुज़र रहे हैं, हमें अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं है। ये बात बारहा मैंने अर्ज़ की है कि हम अपनी ज़ाती इस्लाह की फ़िक्र करें। आज जहाँ हमारे दाखली मसाइल हैं, मुसलमानों के अंदर शिर्क और बिदात उरूज पर हैं, दीन के नाम पर दीन की मुखालिफत हो रही है, उसी के साथ आज दुश्मनाने इस्लाम भी सरगर्म है। आपने पढ़ा और सुना होगा पिछले चंद रोज ही पहले फ्रांस में क्या हुआ। एक उस्ताद ने स्कूल में बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून दिखाए, खाके बनाए और वो बच्चों को दिखाए। आप अंदाज़ा कीजिए कि नई नस्ल और बच्चों की तरबियत दरसगाहों में, स्कूलों में किस अंदाज पर वो काम कर रही है। और उसके नतीजे में उन्हीं बच्चों में से किसी मुसलमान बच्चे ने उस उस्ताद को कत्ल कर दिया। अब शोर मचाया जा रहा है कि ये दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने की पूरी ताकत भर कोशिश हो रही है। हमारी वजारत खारजा ने भी फ्रांस की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन कोई इस पहलू को नहीं देखता कि दुनिया में बसने वाली दूसरी बड़ी आबादी जो मुसलमानों पर मुश्तमिल है, पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी है, हमसे तादाद में कुछ ही ज़्यादा ईसाई हैं, उनके बाद मुसलमानों की आबादी है पूरी दुनिया में। तो अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि दूसरी बड़ी आबादी, उनके दिलों को दुखाया गया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक मुसलमानों के साथ फितरी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जर्रा बराबर भी कीचड़ उछाली जाएगी तो तमाम मुसलमानों को दिली तकलीफ होती है। तो दुनिया में बसने वाली दूसरी बड़ी आबादी का दिल दुखाया गया, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की तौहीन की गई, इसको काउंटर नहीं किया जा रहा है। काउंटर किया जा रहा है कि साहब उस्ताद का कत्ल कर दिया तो ये दहशतगर्दी है, इसे काउंटर किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, आज मुसलमानों को क्या करना चाहिए?
कितना बड़ा अलमिया है कि वो पैगंबर, वो नबी, वो रसूल जिन्होंने सारी दुनिया को इंसानियत की तालीम दी, आला तरीन अखलाक की तालीम दी और इंसानों को ज़िंदगी का सलीका सिखाया, आज उनकी ज़ात पर हमले किए जा रहे हैं। और मेरे भाइयों, ये सिलसिला नया नहीं है, पुराना है। आप सीरत को पढ़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने अपनी हयात तैयबा में इस्लाम की दावत को बादशाहों तक भी पहुंचाया। उस ज़माने में जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं, बड़े बड़े बादशाह थे, गैर मुस्लिम बादशाह, उनको खतूत लिखे थे। उनमें किसरा ने, जो ईरान का बादशाह था, फारिस कहा जाता था उस ज़माने में उस इलाके को, उसको ख़त भेजा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़त लेकर गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी थी। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को फाड़ कर फेंक दिया था और नहायत तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और अपने दो कारिंदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए मदीना भेजा था। जब उसके दो कारिंदे मदीना पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया अपने बादशाह का, और ये कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, चलें आप हमारे साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि यहीं ठहरो मदीना में और कल मुलाकात करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जालिम को सजा दी और उसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया उसी रात में, किसरा को, फारिस के बादशाह को। और इस वाक़े की इत्तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरी वही कर दी गई, रात को अल्लाह के रसूल को बता दिया गया था। अगले दिन जब वो दोनों आदमी फौजी थे, वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए, तो आपने फरमाया मेरे रब ने तुम्हारे रब को उसके बेटे के जरिए कत्ल करा दिया है। लोग हैरान थे, ये तला कैसे, कैसी खबर दी जा रही है हमें। फरमाया मेरे रब ने तुम्हारे रब को उसके बेटे के जरिए कत्ल करा दिया है, उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। तो ये अंजाम हुआ था गुस्ताख़े रसूल का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में ये अंजाम हुआ था। तो आज भी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमा या उन पर वो अज़ाब मुसल्लत फरमा दे जिसके वो मुस्तहिक हैं। इसके अलावा मेरे भाइयों, हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे भी तो कुछ फ़राइद हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें ज़िंदगी गुजारनी है और इन हालात का मुकाबला किस तरह करना है, इस पर भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। और इस सिलसिले में चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नत तैयबा का गहराई से मुताला हर एक मुसलमान को करना चाहिए। आज हमारी सूरत हाल यह है कि हम खुद अपने नबी को नहीं जानते, अपने नबी की अजमत को नहीं पहचानते, अपने नबी की तालीमात से कोरे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है हर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को गहराई से पढ़े, बग़ौर उसका मुताला करे। और आज के दौर में किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप उर्दू नहीं जानते, अरबी ज़बान नहीं जानते, अंग्रेज़ी जानते हैं तो अंग्रेज़ी में सीरत की किताबें बेशुमार मौजूद हैं, हिंदी में मौजूद हैं, कोई और ज़बान आप जानते हैं तो उसमें भी मौजूद हैं।
हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जिन पर दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। आपकी हयात तैयबा पर जितनी किताबें दुनिया में मौजूद हैं किसी दूसरे पर नहीं है। बेशुमार किताबें उलमा ने लिखी हैं, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, मुख्तसर भी हैं और मोटी मोटी सीरत की किताबें भी हैं जो बहुत सी जिल्दों के अंदर हैं और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में हैं। तो पढ़ना चाहिए, आप अरबी उर्दू नहीं जानते अंग्रेज़ी हिंदी में पढ़िए और दूसरी ज़बानों में पढ़िए, लेकिन पढ़ें, मुताला करें, अपने नबी को पहचानें समझें, तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी अज़मत और आपका मकाम समझ में आएगा और दूसरों को बताने के लिए आसानी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आपकी सीरत को अपनी ज़िंदगी में ढालने की भरपूर कोशिश करें। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, आप हर साल देखते होंगे सुनते होंगे सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीरत पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें और सेमिनार होते हैं रबीउल अव्वल के महीने में। इस सिलसिले में हमारा कहना यह है कि रबीउल अव्वल का महीना सीरत को बयान करने के लिए ख़ास नहीं है और ना ही इसे ख़ास करना चाहिए। 12 महीने हर दम हर पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का बयान होना चाहिए, उसका जिक्र होना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। आज हम अपनी अमली ज़िंदगी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का ऐलान नहीं कर सकते, शर्म आएगी। हमारा अमल ही ऐसा है, हमारी ज़िंदगी ही इस तरह की है कि हमारी ज़िंदगी के 24 घंटे रोज़ाना के बेशुमार सुन्नतों के ख़िलाफ़ गुज़र रहे हैं, तरीक़े नबवी के ख़िलाफ़ गुज़र रहे हैं। तो हम किस मुँह से किसी के सामने जाएं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकील हैं, हम उनके उम्मती हैं, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनसे अकीदत रखते हैं, हमारे दिलों में उनकी अजमत है, किसको बताएंगे और कैसे बताएंगे? इसलिए मेरे भाइयों, हमारे करने का काम ये है और तभी मुकाबला कर सकते हैं हम दुश्मनों का और तभी अपने नबी का डिफेंस और दिफा उनकी नुसरत कर सकते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी को सुन्नत नबवी की रोशनी में गुजारेंगे। अपनी तमाम ख्वाहिशात को, जितनी ख्वाहिशात है छोटी हो बड़ी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के ताबे कर दे। आज हम ख्वाहिशात के बड़े बंदे बने हुए हैं, हर आदमी की ख्वाहिशात होती हैं और हर आदमी अपनी ख्वाहिशात का इजहार अपनी इस्तेआत के मुताबिक करता है। जिसके पास जितना पैसा है जितनी ताकत है वो उसी के हिसाब से अपनी ख्वाहिशात का इजहार समाज और मुआशरे में करता है। अगर हम वाकई मुसलमान हैं और अगर वाकई हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को शरीयत इस्लामिया के ताबे कर दें जो शरीयत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। ये सच्ची मोहब्बत का ऐलान होगा, सच्ची और हकीकी मोहब्बत का इजहार होगा, वरना तो मोहब्बत का दावा बिला दलील है। इसी तरह मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो हिदायात हैं, उनका इल्म हासिल करके उन पर अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी हिदायत, आपके पैगामात को दुनिया के सामने पेश करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। बताएं दुनिया वालों को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को क्या पैगाम दिया,
क्या जिंदगी अता की दुनिया को, क्या हिदायत दी, क्या तालीमात से सरफराज किया, ये बताएं दुनिया वालों को। हम तो बता भी नहीं पा रहे हैं, बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई आदमी कह सकता है जी मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं उर्दू नहीं जानता, अरबी नहीं जानता, अंग्रेजी हिंदी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, उसके लिए भी कयामत के दिन उज़्र नहीं होगा। क्यों? कि वो सुन सकता है, वो सुनकर अपना इल्म में इजाफा कर सकता है, इल्म हासिल कर सकता है। आजकल तो हमने देखा इस मोबाइल में कोई चीज आपको गूगल पर तलाश करनी है तो लिख देते हैं, वो आ जाती है। जो आदमी लिखना नहीं जानता वो बोल कर कहता है फला चीज, और वो जनाब शुरू हो जाती है। तो जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता वो बोलकर अपना, अब कोई खेल है, कोई तमाशा है, कोई फिल्म है, कोई गाना है, सब बुला लेते हैं, लोग बोलकर बुला लेते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाकयात को भी आप इसी तरह बोलकर देखें तो सीरत की चीजें आ जाएंगी और सुन लेंगे आप। और ये भी नहीं है तो घर में इसका एहतमाम करें मुसलमान, कि कम से कम हफ्ते में एक दिन छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को घंटे आधे घंटे के लिए बिठा लें घर में, सब लोग जमा हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करें, पढ़ें मुस्तकिल, किस्तवार सुनाएं उनको, बच्चों की जहन साजी करें, बच्चों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमत बताएं, उनका मकाम बताएं, उनकी तालीमात से उन्हें रोशनास कराएं। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मुश्तमिल लिटरेचर दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में तैयार करें और उसको तकसीम करें। छोटे छोटे फोल्डर, पम्फलेट्स, बुकलेट और इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ जबानों में तैयार करके उनको तकसीम करें, लोगों तक पहुँचाएँ, बताएँ लोगों को कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी आज़मत क्या है, उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा, डिफेंस और नुसरत यानी मदद, ये उम्मतियों की जिम्मेदारी है। मैंने सूरह आराफ की जो आयत पढ़ी है, आयत नंबर ये 157 है, सूरह आराफ की आयत नंबर 157, मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, अपने घर जाकर तर्जुमा निकालिए कुरान करीम का और इस आयत का तर्जुमा पढ़िए। अल्लज़ीना यत्तबियूना अर्रसूल अन्नबियल उम्मी अल्लज़ी, यहाँ से आयत शुरू होती है और उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पर ख़त्म होती है। 157 नंबर की आयत है सूरह आराफ की, इसको पढ़ लीजिए। और आखिरी बात यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी वो ज़ात है कि जिनके ज़रिए हम मुसलमानों को ये तालीम मिली है, क्योंकि क़ुरान आप पर नाजिल हुआ और क़ुरान आप ही ने सारी दुनिया में पेश किया। क्या तालीम दी है? वला तसुब्बुल्लज़ीन यदउन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदबम बिगैर इल्म। ऐसी तालीम है कि आज के माहौल में इसे फैलाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बुत परस्ती की शिद्दत से मुखालिफत की, जिन्होंने गैरुल्लाह की इबादत को शिर्क करार दिया और उसकी मजम्मत की और उसकी मुखालिफत की, लेकिन किसी भी ऐसी शख्सियत को बुरा कहने से मना किया है जिसे लोग अल्लाह के अलावा पूज रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं। फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीन यदउना मिन दूनिल्लाह, ये लोग अल्लाह के अलावा जिन जिन की इबादत कर रहे हैं तुम उनको बुरा मत कहो। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई, उस किताब में हम मुसलमानों को ये तालीम दी गई है कि हम दूसरों के माबूदों को गाली ना दें, उन्हें बुरा भला ना कहें, उनकी इबादत का रद्द करना है, इबादत का रद्द करेंगे तौहीद का दर्स दिया जाएगा,
तौहीद की दावत दी जाएगी, लेकिन किसी भी गैरुल्लाह को जिसकी इबादत की जा रही है, किसी भी उनके माबूद को बुरा भला कहने की तालीम इस्लाम ने नहीं दी है। जिस नबी की तालीम ये हो, आज लोग उस नबी की तौहीन कर रहे हैं। और वो कौन तौहीन की मुर्तकिब हो रही है जो अपने आप को एक आसमानी नबी की उम्मत करार देती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा का एहतराम मुसलमान दिल की गहराइयों से करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को दिल से मानते हैं, उनकी नबूवत को तस्लीम किए बगैर कोई मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता। उनकी वालिदा को कुरान करीम ने सिद्दीका कहा है, कितना अजीम मकाम दिया है और कितनी अजमत उनकी बयान की गई है। तो मेरे भाइयों, हमें इन बातों को और इन तालीमात को आज बहुत ज़ोर शोर के साथ फैलाने और लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने नबी की सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारे और अपने नबी की आज़मत को, अपने नबी के मकाम को, उनकी तालीमात को, उनकी हिदायात को दूसरों तक पहुँचाने का सबब और ज़रिया बने। अकुल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु काना गफ्फारा।